जो आज यहाँ पर आप आए हैं किस चीज के लिए आए, क्या ज्ञापन दिया आपने, किस चीज को लेकर आपने गोदासरा जी को ज्ञापन दिया? ये प्रदेश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। पिछले दो साल से, क्योंकि राजस्थान एक सीमावर्ती प्रदेश है, चार पांच राज्यों की सीमाएं इसके लगती हैं और लगभग 22-23 जिले राजस्थान के अलग अलग प्रदेशों की सीमाएं बनाते हैं। तो वो महिलाएं जिनका जन्म पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और नजदीकी राज्यों में हुआ, आरक्षित एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी में, उन महिलाओं को पिछले दो साल से यहाँ राजस्थान में शादी करवाने की वजह से रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल रहा है। न तो नियुक्तियां मिल रही हैं सरकारी सेवा में, न ही चुनाव में आरक्षण का लाभ इनको मिल रहा है, जबकि इनकी शादी सेम कैटेगरी में हुई है, एससी एसटी या ओबीसी आरक्षित कैटेगरी में इनकी शादी हुई है। यदि तय इनको इनका हक मिलना चाहिए, वरना स्थिति ये हो गई है कि ये न घर की रही है, न घाट की रही है, इनको न मायके में रिजर्वेशन का लाभ मिलता है और न ससुराल में। इसलिए अपनी पीड़ा को बताने के लिए आज हम माननीय दो विधायकों को साथ लेकर के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और शिक्षा मंत्री महोदय आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी से अपनी बात को तसल्ली के साथ रखा है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इस प्रकरण में सरकार गंभीर है और बहुत जल्द इसमें सकारात्मक निष्कर्ष देखने को मिलेगा। कहाँ से हैं? चूरू डिस्ट्रिक्ट से मैं आया हूँ। बाकी सभी महिलाएं गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आई। किन किन चीज़ों पर इनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है? इनको जो राशन कार्ड वगैरह में आरक्षण दिया जा रहा है, यानी कि एक तरीके से गेहूं वगैरह आरक्षित जो सुविधाएं हैं, तेल वगैरह की सुविधा मिल सकती है, बाकी जो स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकती है, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकती और सरकारी नौकरी में अपनी कैटेगरी में चयन होने के बावजूद भी इनको यहाँ पे नियुक्ति नहीं मिल रही है। आपका नाम? वेदपाल दानोथी ममचूर। आप कहाँ से? सर, मैं जयपुर से हूँ। 17 साल हो गए मेरी शादी को। मैं 2016 में मैंने शिक्षक भर्ती में मैंने 2016 में क्वालिफाई किया था, लेकिन मुझे ये कह के बाहर निकाल दिया गया कि आप यहाँ की नहीं हो, हरियाणा से हो और आपको यहाँ पे आरक्षण नहीं दिया जा सकता। फिर मैं 17 साल से यहाँ जयपुर में, मेरा मूल निवास भी यहाँ का है, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे यहाँ के बने हैं और आज मुझे ये कह के बाहर कर दिया कि आप यहाँ के नहीं हो, आप आरक्षण लेना तो आप अपने राज्य में। फिर किस फायदा हमारे, क्या फायदा हमारे यहाँ का मूल निवास का है, क्या फायदा हमारे यहाँ पे 17 साल से हम आपको गवर्नमेंट वोट दे रहे हो और आज आप हमें ये कह के कह रहे हैं कि आप आ जाइए। सर, जब हमारी वोट से सरकार बन सकती है, जब हमारी सरकार आ सकती है तो सरकार हमें रोजगार क्यों नहीं दे सकती? हरियाणा में जाके वोटिंग करवा। तो फिर हम यहाँ के हम वोटर हैं, तो आपने इससे पहले भी कहीं पे ज्ञापन दिया? इस मामले में राजेंद्र राठौड़ जी से मिला गया था कुछ टाइम पहले, उसमें मुद्दा उठाया था, इसमें कई बार मिले भी थे यहाँ पे जाके, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। ये कोई हरियाणा से है, कोई यूपी से, कोई कहीं से, जो स्टेट से माइका इनका है, अब ये राजस्थान की निवासी होगी, ऑटोमेटिक अगर 10 साल का कोई रह रही है तो ऑटोमेटिक राजस्थान का मूल निवासी हो जाता है, लेकिन इनके लिए ऐसा कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ इनका वोटर के लिए काम ले सकते हैं, अदरवाइज किसी बात ना तो ये चुनाव लड़ सकते हैं, ना उसमें आरक्षण मिलेगा, ना इनका ओबीसी या किसी नियुक्ति के लिए आरक्षण मिल सकता। ये मुद्दा लेके आज इधर उधर भटक रहे हैं, जिनका कोई निष्कर्ष नहीं मिला। मेरा नाम हरिकृष्ण सोनी है, मेरी वाइफ पूनम देवी है, जिनके साथ मैं भी चक्कर काट रहा हूँ और ये हमारे सहयोगी वेदपाल जी है। जब जाके हमने शिक्षक भर्ती में हमने क्वालिफाई किया है, लेकिन आज हमें आरक्षण के नाम पे हमें बाहर कर दिया जाता है। 17 साल से हम क्या वैसे ही करेंगे? रिजर्वेशन क्यों नहीं है? रिजर्वेशन नहीं देना तो सबको मत दो ना, हम अपनी मेहनत से पास होकर दिखाएंगे आपको, लेकिन फिर हमें ही क्यों बाहर कर दिया जाता है? ये हमारे साथ क्यों? हम यहाँ की बेटियों को आरक्षण दिया जाता है, सिर्फ हुए इसलिए हमें आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। बेटियों को आरक्षण दे रहे हो, बहुओं को आरक्षण नहीं दे रहे हो, इस तरह से तुम्हारा संसदीय हो रहा है ना। हमारे साथ बेटी मानते हैं, सबका ये भी बेटी है, आरक्षण ही नहीं मिल रहा है।